मोदी सरकार विदेश व्यापार को प्रोत्साहित करने और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दूर दराज के ग्रामीण इलाकों और गरीबों को किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए 2018-19 में जहां परिवहन क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान 78,626 करोड़ रुपए था, वहीं इस बार 2019-20 के बजट में आवंटन को बढ़ाकर 83,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विकास और उनकी खरीद को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है। इस संबंध में मोदी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फेम फेज 2 योजना को अगले 3 वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है, यानी सुगम यातायात के साथ साथ अब पर्यावरण की सुरक्षा भी।